हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय ब्राइडल मेकअप किट है। कुछ ही दिनों में आई एम गेटिंग मैरिड और मेरी जो वेडिंग डेट है वो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी मेरा वेडिंग डेट डिस्क्लोज करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने स्पेशल डे के लिए, रादर स्पेशल डेज के लिए क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदा है, क्योंकि मैंने सब कुछ ना अमेजोन से खरीदे हैं एंड बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे मिल गए हैं। तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो सामने ही वैलेंटाइंस डे है एंड अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं कोई भी पर्टिकुलर मेकअप प्रोडक्ट तो आप इस वीडियो से उसे पिक करके गिफ्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एक बिल्कुल मेकअप किट बनाकर गिफ्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो परफेक्ट, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स ना जस्ट अंडर 500 रुपीज है। सो दिस इज द प्राइमर, ये है मेबेलिन फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है एंड मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है। तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस को चेक किया था अबाउट गुड एंड परफेक्ट प्राइमर्स फॉर ड्राई स्किन पीपल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स भी है बट दैट डजंट रियली वर्क फॉर माई स्किन प्रॉब्लम बिकॉज मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई है और थोड़े बहुत ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी है। तो इस वियर्ड कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्राइमर सूट नहीं करते, बट ये मैंने परचेज़ किया है और ये बिल्कुल नया है तो मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है, बट डेफिनेटली आई एम गोना यूज़ दिस और मैं आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे ये कैसा लगा। फिलहाल तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस प्राइमर। आई हैव गॉट दिस स्ट्रोब क्रीम, ये लोटस का स्ट्रोब क्रीम है एंड मैंने पहले भी इसे इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ माई सेकेंड ट्यूब। इसके अंदर ना गोल्डन पार्टिकल्स है, ग्लिटर पार्टिकल्स है, जो कि एकदम माइल्ड है। डे फंक्शन में आई थिंक वो दिखेगा बट नाइट, किसी भी नाइट टाइम फंक्शन में एकदम परफेक्ट है। आई पर्सनली लव दिस एंड मेरे स्पेशल डेज के लिए तो दिस इज़ अ मस्ट हैव। मेबेलिन का जो ये फिट मी रेंज का फाउंडेशन है वो भी परचेज कर लिया है। मेरा शेड है 120। दिस प्रोवाइड्स यू नेचुरल टू मीडियम कवरेज, मुझे ये अच्छा लगता है, बिल्डेबल कवरेज है एंड मुझे नेचुरल फिनिश वाले कंसीलर्स एंड फाउंडेशन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे हेवी फिनिश वाले पसंद नहीं है बिकॉज वो थोड़े से पैची एंड आर्टिफिशियल दिखता है, बट मुझे नेचुरल लुक चाहिए। एंड मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर परचेज किया है। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02 सैंड सेबल एंड दिस इज परफेक्ट मैच सो फॉर द शेड बेसिकली, एंड मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ड्राइंग है तो इंस्टेंटली अप्लाई करने के बाद आपको इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करना पड़ेगा, otherwise it will dry, but overall it provides a very good coverage. For mascara, again I have opted for this Maybelline Hyper Curl mascara, but मुझे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। This is waterproof version because obviously कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, for wedding functions you really need waterproof makeup. So ये मैंने वाटरप्रूफ वर्जन में लिया है। हालांकि मेबेलिन के वाटरप्रूफ एक वर्जन होता है, एक वॉशेबल वर्जन होता है। मुझे ये डिसेंट लगता है, अभी मैंने अप्लाई किया भी है। ज़्यादा कुछ इसका इफेक्ट ज़्यादा मुझे नहीं लगता, बट मैं कुछ फॉल्सीज वगैरह नहीं अप्लाई करूँगी। सो आई एम अगेन सर्चिंग फॉर अ वेरी गुड मस्कारा। अगर मुझे अमेजन पर मिल जाए तो नेक्स्ट अमेजन हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई शेडो पैलेट मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी बिकॉज मैंने और भी ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स ऑर्डर किया है अमेजन पर, तो लेट देम कम और मैं फिर इकट्ठे एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ एक ग्लिटर वाला आई शेडो पैलेट है जो मैं अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो मैं अलग से आई शेडो पैलेट्स का ही एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं शेयर करूंगी। फॉर आईलाइनर आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस प्लम आईलाइनर। ये जेट ब्लैक है एंड इससे आईलाइनर एप्लीकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। द पैकेजिंग इज़ रियली क्यूट और ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये वाटरप्रूफ है। फॉर काजल ऑल्सो आई हैव ऑप्टेड फॉर समथिंग विच इज़ स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग। तो मैंने मेबेलिन कोलोसल काजल परचेज़ किया है। एक्चुअली ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग मेरे मेकअप लुक्स में देखते हैं कि मैं इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो आई थॉट मेरा जो स्पेशल दिन है, जो मेरे वेडिंग फंक्शन सेक्शन से प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग एंड द डी डे, तो उसके लिए ये परफेक्ट रहेगा। जेट ब्लैक पिगमेंटेशन है एंड काफ़ी अच्छा है, स्मच ज़्यादा नहीं करता। फॉर ब्लश मैंने ये परचेज किया है, ये है मेबलिन फिटमी का ब्लश इन द शेड 10 ब्रेव एंड द शेड इज सुपर प्रिटी एंड इसमें ना थोड़ा सा शाइन भी है जो कि आपके चीक्स को हल्का सा ग्लो प्रोवाइड करता है, एकदम नेचुरल वाला। एंड द कलर 10 ब्रेव इज सो सटल, ये एकदम सटल सा लुक देता है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी स्किन पर ना ब्लश ज़्यादा सूट नहीं करता। दिस शेड इज सुपर परफेक्ट एंड ये एकदम हल्का सा शाइन भी ऐड करता है आपके फेस पर। सो अगर आप कुछ ऐसा ब्लश ढूंढ रहे हैं जो कि एकदम नेचुरल लुक दे, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ये है इनसाइट का पॉट कंसीलर इन दी शेड MC2 बेज और ये जो शेड है ना ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, इट्स मोर लाइक येलो काइंड ऑफ अ कंसीलर। तो मैं इसे कलर करेक्शन करती हूँ। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स है, तो उसके लिए आप एक डार्क कलर जो कि थोड़ा सा येलोइश टोन में है वो कंसीलर ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले अप्लाई करें, उसके बाद आप अपना लाइटर और जो यूजुअल फाउंडेशन कंसीलर है वो अप्लाई करें, तो वो जो डार्कनेस है वो हाइड हो जाती है। नेक्स्ट एक सेटिंग स्प्रे मैंने परचेज किया है। ऑलरेडी मेरे पास मैक का सेटिंग स्प्रे है जो मैंने दिल्ली में परचेज किया था, बट मुझे एक और सेटिंग स्प्रे चाहिए था बिकॉज मैक का ना इतना बड़ा है, थोड़ा सा बल्की है, तो मैं ज़्यादा उसे ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे ऑन द गो चाहिए तो उसके लिए कुछ छोटा सा हैंडी सा चाहिए, तो ये शुगर का द ग्रैंड फिनाले मेकअप फिक्सर है। ये जो मेरे पास वेरिएंट है दिस इज़ मैट सेटिंग मिस्ट बिकॉज मैंने अपने एंगेजमेंट के टाइम भी इसे ही अप्लाई किया था अपने फेस पर, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उस टाइम स्वेटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई थी मुझे, तो मुझे मैट वर्जन ही अच्छा लगा। फिर लेट मी शो यू ऑल and that's it, your face is covered in just 2 to 3 pumps. So yeah, that's it for today's video. इतना ही मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। This is just part 1 और भी कई सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया है and they are on their way. जब वो आ जाएगा तो मैं part 2 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Make sure you check my description box. वीडियो पसंद आए then don't forget to like this video, share this video and don't forget to subscribe to my channel. आज के लिए तही, stay blessed, stay happy, bye.